नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो फिल्मी ज्ञान। और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने टैलेंट मेंटोर और एक्टिंग गुरु मिस्टर विपिन कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच विजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। दोस्तों, मैं विपिन कुमार, एक्टिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस फिल्म एकेडमी में। दोस्तों, आज जैसा आपको मालूम है, फिल्मी ज्ञान एपिसोड आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। दोस्तों, इसके अंदर बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से अपना करियर बनाया, जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स की क्वेश्चंस हैं, एक्ट्रेस की जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम जानने की, समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और आप बॉलीवुड में आसानी से अपना करियर बना सकें और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ सकें। सो विजय, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आई होप मैं उसको बड़ी बखूबी से आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यस विजय, कुछ क्वेश्चन है आपका, पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि एक गरीब इंसान, एक गरीब व्यक्ति एक्टर कैसे बन सकता है, कैसे वो बॉलीवुड में अपने आप को कामयाब कर सकता है, इसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स। सो गरीब का डेफिनेशन आप बता सकते हो, फाइनेंशियली गरीब है या मेंटली गरीब है, उसकी सोच गरीब है या उसको गरीबी है फाइनेंशियल तरीके से, उसके पैसे की कमी है, क्या आप बताना चाहते हैं? सर, पैसे की कमी है एक व्यक्ति के पास में, जिसके पास पैसे का कमी है, वो व्यक्ति एक्टर कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले, दो तरह के गरीब होते हैं, मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। एक मेंटली गरीब इंसान जो सोचता ही नहीं है कभी बड़ा करने की, और एक वो गरीब इंसान जो फाइनेंशियली उसको दिक्कत होती है। सो दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है विजय। सो विजय, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ बड़े सटीक तरीके से। विजय, मुंबई जैसा आपको मालूम है वर्ल्ड का एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो बहुत महंगा शहर है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे खाने के लिए, रहने के लिए, इवन कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप तो रहने के लिए सोच भी नहीं सकते, लाखों रुपए किराया है, राइट? सो एक गरीब इंसान कैसे मुंबई आए, कैसे अपने आप को सेटल करे, कैसे सीखे, कैसे ऑडिशन देने जाए और ऑडिशन देने के बाद अपना कैसे काम पाए, इसी बारे में बारी बारी से अपने दोस्तों को मैं आंसर देना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहला पॉइंट है विजय कि मुंबई जो भी बंदा आता है, जो भी पर्सन आना चाहता है, उसको ये सोच के आना है कि मुंबई जब मैं जाऊँगा ना, किसी भी काम के लिए परहेज नहीं करूँगा, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, चाहे होटल का जॉब है, चाहे एयरपोर्ट का जॉब है, चाहे साफ सफाई का जॉब है। अगर गरीब है, जाहिर सी बात है, अगर गरीब है तो उसने एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की होगी गरीब के चलते, राइट? सो उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको बस ऐसा सोच के चलना चाहिए कि बॉस मुझे बस काम करना है। एक कहावत भी है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो छोटा या बड़ा नहीं होता तो बड़े आसानी से, चाहे पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे काम मिल जाता है मुंबई में, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, होटल में वेटर का जॉब है, राइट, साफ सफाई का जॉब है, या अदर एयरपोर्ट का जॉब है, या ट्रांसपोर्टेशन में जॉब है, या कोरियर में जॉब है, इस तरीके का काम मिल जाता है हमारे भाइयों को, राइट? सो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई में जो पर्सन आते हैं उनको ये सोच के चलना चाहिए कि वो काम करने को तैयार हैं, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू यहाँ पे ये है कि उनको यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट है, जॉब पकड़ लेना चाहिए, राइट? जॉब पकड़ने के बाद वो अपने आप को किस तरीके से यहाँ पे सेटल करते हैं, रहने की व्यवस्था। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ एस्पायरिंग एक्टर्स को जो हमें सुन पा रहे हैं, जॉब के लिए कुछ ऐसे जॉब है जो हम सलाह दे देते हैं, सक्सेस फिल्म एकेडमी सलाह दे देती है और आसानी से काम मिल भी जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, राइट, वेटर का जॉब है, मॉल्स में है, राइट, एयरपोर्ट का जॉब है, ऐसे कुछ जॉब्स हैं जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं भी है, गरीब भी है, सक्सेस फिल्म एकेडमी की टीम उनको सलाह दे देती है, एडवाइस दे देती है कि आप ऐसे ऐसे जगह पे जाओ, जॉब मिल जाती है। yes, हम उनको प्रमोट कर देते हैं और उनको जॉब आसानी से मिल जाती है। तो जॉब करने के बाद अब बारी आती है एक्टिंग सीखने की। हम गरीब की बात कर रहे हैं तो जॉब तो मिल गया गरीब को, लेकिन अब सीखना भी तो पड़ेगा ना। क्योंकि अगर वो सीखेगा नहीं बंदा, अगर उनको जानकारी नहीं होगी, सो ऑडिशन क्लियर नहीं कर सकते, ऑडिशन में 100% नहीं दे सकते, उसके लिए सीखे कहाँ पे? तो सीखने के लिए मैं आपको बताऊं विजय, सक्सेस फिल्म एकेडमी सबकी फिल्म एकेडमी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम हर इंसान को उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं। विजय, मैं आपको बताऊं, सक्सेस फिल्म एकेडमी का जो फीस स्ट्रक्चर है विजय, बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है, इतना कम फीस स्ट्रक्चर है जो नर्सरी के जो बच्चे जाते हैं ना, उनसे भी कम फीस हम लोग चार्ज करते हैं। और पिछले 3-4 साल से यही फीस चल रहा है, राइट? yes, जिसमें एक्टिंग कोर्स आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आता है, एंकरिंग आता है, वीडियो शूट आता है, थिएटर प्रैक्टिस से जाते हैं। yes, सो ये सारी चीज़ें उस गरीब इंसान को सीख लेना चाहिए जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं कि बॉलीवुड में उनको करियर बनाना है। यस सर,
तो आई रिपीट वंस अगेन, सबसे पहला है जॉब, जो कि सक्सेस एट फिल्म एकेडमी उनको गाइड कर देती है जॉब पाने के लिए। पॉइंट नंबर टू है सीखना, सक्सेस एट फिल्म एकेडमी, सक्सेस एट थिएटर ग्रुप में वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में सीख भी लेते हैं। अब बारी आती है काम का, काम पाने की, राइट। सीख तो लिया, जॉब तो पा लिया, मुंबई में रह भी रहे, लेकिन काम कैसे पाए, राइट। सो यहाँ पे एक टिप्स देना चाहता हूँ हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री ये आता है कि काम कैसे पाए। उसके लिए मैं इतना ही आंसर दूंगा कि ऑडिशंस जॉब के साथ आप मत दो, बहुत मुश्किलें आती हैं। होता क्या है, कई बार अगर काम आपको मिल भी जाता है, राइट, सो आप इनको छुट्टी मांग के जाते हो तो जॉब में भी आपको डांट पड़ती है कि आप जॉब से लेट क्यों आए, राइट, कैसा किया। वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डिटरमाइन होके जो भी व्यूवर्स हैं, जो गरीब हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, डिटरमाइन होके उनको एटलीस्ट एक साल तक सीखो, एक साल तक जॉब करो, उसमें से सेविंग्स करो, राइट, जो भी है 4,000, 5,000, 10,000 जो सेव कर सकते हैं, जो मनी को बचा सकते हैं, राइट, उस पैसे को बचा के उसको किफ़ायती तरीके से बचाओ, उसकी सेविंग्स करो, एंड एक साल बाद जॉब छोड़ो, सीख तो आपने लिया है, और 100% सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन पे फोकस करो। तो इससे होगा क्या कि जो आपने मास्टरी हासिल करी है सीखने में, और जब आप ऑडिशन देने जाएंगे ना, जब आप ऑडिशन देने जाएंगे वहाँ पे 100% दे के आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक साल तक सीखा है, राइट। सो बड़ा ही सिंपल आंसर मैं बताऊँ, यही एक तरीका है एक गरीब को मुंबई में सर्वाइव करने का, एक गरीब को मुंबई में सीखने का, और एक गरीब को मुंबई में एक्टर बनने का, बॉलीवुड में काम पाने का। ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई गरीब भाई बहन सुन रहे हो ना, निराश मत हो, विपिन कुमार जिंदा है, सक्सेस फिल्म एकेडमी आपके साथ है, क्योंकि कोई नहीं ऐसा जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं ऐसा सक्सेस जैसा फिल्म एकेडमी। तो मुंबई में ऐसी हैं जो लाखों रुपए चार्ज करती हैं एक्टिंग सिखाने के नाम पे। आज तक मुझे समझ नहीं आया विजय कि लाखों रुपए आखिर लेते क्यों हैं। इंसानों की आदतों को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ये लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। मुंबई के अंदर ऐसी फिल्म एकेडमीज भी हैं जो लाखों रुपए का फीस स्ट्रक्चर वो लेती हैं, जो कि गलत है। एंड इसी वजह से जो हमारे भाई बहन जो सपने देखते हैं मुंबई में सेटल होने का, अपने सपने पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इतना हाई है, खाने को तो वो सोच ही नहीं सकते, तो फीस इतना कैसे दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सक्सेस एट फिल्म एकेडमी सदैव आपके साथ तत्पर है। आप आएँ, सक्सेस एट फिल्म एकेडमी से जुड़ें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो नंबर आ रहा है 7219533205 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सक्सेस एट फिल्म एकेडमी के काउंसलर से आप लोग बात करें, उनसे पूछें आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, मुंबई में आप कहाँ रह सकते हैं, किस तरह का जॉब के लिए हम लोग आपको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। सेटल हो जाओ मुंबई में, निराश मत हो, सीखोगे तभी आगे जाओगे, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। लगे रहो, डेफिनेटली आपको एक दिन काम मिलेगा। उदास मत हो, निराश मत हो, सक्सेस रेट के आपके साथ है। आई होप मैंने आपको बड़ी बखूबी तरीके से आपको आंसर दिया होगा कि एक गरीब कैसे एक्टर बन सकता है। कुछ बोलना चाहते हैं व्यूअर्स को आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपने इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया सर। एंड व्यूअर्स प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।